हेलो दोस्तों, मैं हूं निया सिंह बोलबोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं ससुराल सिमर 2 की अपडेट। जी हां, ससुराल सिमर 2 के एक्सक्लूसिव अपडेट में चलिए आपको बताती हूं कि आखिरकार वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जो बहुत जल्दी एंट्री करने वाली हैं ससुराल सिमर 2 में और किस तरह के किरदार को निभाते हुए नजर आने वाली हैं और आखिरकार वो इस तरह के किरदार को उन्होंने क्यों पसंद किया, चलिए इसी के बारे में जानते हैं। जी हाँ, वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मायरा मिश्रा है, जिनको आपने इससे पहले गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में देख चुके हैं, जहाँ पर वो निगेटिव रोल में ही नजर आती थी। और ससुराल सिमर 2 की भी अगर मैं बात करूँ तो सेम वहाँ पर भी वो यही किरदार करती हुई वो नजर आएंगी। और उनके किरदार को लेकर जब हमने बात करने की कोशिश की है तब उन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा है कि वो निगेटिव रोल बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगी है। जिस तरह से विलन के किरदार को लिखा जाता है उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं आपको करने के लिए, रोने धोने से बहुत अलग चीज़ें आप कर पाते हो। वहीं ससुराल सिमर करने की सबसे मेन वजह ये थी उनके पास कि ससुराल सिमर जितना भी चला था उनका जो फर्स्ट सीजन, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बस इसी की वजह से उसका सेकंड सीजन आया है। और जब उन्हें ये चीज़ ऑफर हुई है तो उन्होंने सोचा मायरा ने कि मैं इस चीज़ को ना नहीं कह सकती हूँ। अगर मैं मायरा की पूरे में जर्नी की बात करूँ गुड्डन में, तो गुड्डन में उनके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जिस हिसाब से उन्होंने अपना निगेटिव कैरेक्टर वहाँ पर दिखाया था। वही इसी की वजह से टीम ने इस समय मायरा को अप्रोच किया था कि भैया वो ससुराल सिमर में भी एक निगेटिव रोल में नजर आए, और मायरा ने इस चीज़ के लिए तुरंत हामी भर दी थी कि जी हाँ वो करना चाहती हैं। वहीं अगर मैं मायरा की बात करूँ तो मायरा इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बरेली में बहुत इंजॉय कर रही हैं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम लग रहा है, पर वो अगले महीने से इस शो की शूटिंग के लिए वो निकल जाएंगी आगरा में, और आगरा में ही इस शो की वो शूटिंग करते हुए नजर आएंगी। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं एक तरह से मायरा को देखने के लिए ससुराल सिमर 2 में, क्योंकि उनका जो किरदार होगा वो बहुत ज़्यादा अलग होगा। क्योंकि अब तक अगर मैं ससुराल सिमर 2 की बात करूँ तो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज लोग चल रहे हैं। एक तरह से ससुराल सिमर 1 से बहुत हटके इस स्टोरी को लिखा गया है, दो कपल्स हैं उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। वही मायरा किसके ज़िंदगी में आके इतना सारा भूचाल मचाते हुए नजर आएंगी, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा कि ससुराल सिमर 2 आप कितना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। उसी के साथ मायरा मिश्रा की ये एंट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोलबोल बॉलीवुड के साथ।